आप देख रहे हैं इंडिया फोकस न्यूज। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पंडित रमन शर्मा आप लोगों के सामने बैठा हूं, आप लोगों को दिवाली के महात्म्य के बारे में बताने के लिए, दीपावली से संबंधित आपको कुछ विशेष जानकारी देने के लिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली कहते हैं, जो कि इस बार कहा जा रहा है कि अमावस्या इतवार की है या सोमवार की है। मैं आपको ये बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि इतवार की है सोमवार की है। जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, जिस दिन लक्ष्मी पूजी जाती है, जिस दिन हम अपने घर में दीप जला रहे हैं, वही दिन दीपावली का माना गया है, दिवाली का माना गया है। अगले दिन से जो है गोवर्धन लगता है, जिसको हम प्रतिपदा कहते हैं, और गोवर्धन वाले दिन ऐसा नहीं है कि आप दीपावली का जो अमावस्या का जो सामान है निकालना है वो आप अगले दिन निकालें, ऐसा नहीं है। आप उसी दिन यानी जिस दिन आपने दिवाली पूजनी है, संडे के दिन की, इतवार के दिन की ही आपने दिवाली पूजी है, और उसी दिन आपने महालक्ष्मी का पूजन करना है। पूजन किस प्रकार से करना है? सर्वप्रथम गणेश भगवान का ध्यान करना है। ओम वृक्कतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे विघ्नहरण मंगलकरण नायक श्री गणराज, प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण की जो काज। बोलो गणपति गजानंद भगवान की जय। आपने इस प्रकार, ये सरल मंत्र है गणपति जी का, वो गणपति जी का मंत्र का आवाहन करना है। जिस प्रकार आप अपने घर में लक्ष्मी जी का आसन सजाते हैं, गणपति जी को बिठाना है, माता महालक्ष्मी को बिठाना है, और जो दीपक जलाना है वो देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने से पूर्व साबुत चावल ही लेने हैं, अपने टूटे हुए चावलों को नहीं लेना है। साबुत चावलों का आसन लगाकर उसके ऊपर दीपक को रखना है, और दीपक रखने के पश्चात आपने फिर उसको प्रज्वलित करना है, क्योंकि अक्षत पर ही दीपक विराजमान होता है। दीपक की स्थापना करी जाती है, कलश की स्थापना करें, कुमकुम रोली चावल का तिलक करें और उस पर एक मोली बांधें, उसके ऊपर नारियल रखें, और जो भी आपके पंचामृत मेवा है वो माता लक्ष्मी के समक्ष रखें, नारियल रखें, सेब रखें, और ये फल दो तो जरूर ही लिए जाते हैं, तीसरा आपको मैंने बताया कि आप नारियल ले सकते हैं, आम के पत्तों से सजाएं, जितना सुंदर हो सके भव्य दरबार माता का सजाएं, और साथ ही आप कमल का पुष्प भी रखें, और गुलाब माता का प्रिय फूल है, माता का गुलाब का फूल भी अवश्य रखें। शुभ लाभ दीवार पर है तो लिखें, नहीं तो आजकल बाजार में पोस्टर्स आ रहे हैं, छोटे छोटे स्टीकर आ रहे हैं, वो स्टीकरों को चिपकाएं, शुभ लाभ लिखें, साथ ही गणपति जी का ध्यान करते हुए आपने पूजा को प्रारंभ करना है। पूजन का समय मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में निहित है कि दीपावली के दिन जब से संध्या काल लगता है, यानी दोपहर के मिलने का जो समय होता है, जिस समय सुबह का और सांझ का मिलन होता है, जिसको हम संध्या वेला कहते हैं, उसी समय से दीपावली का पूजन प्रारंभ कर देना चाहिए। जो जैसे कि आपको 6:30 से 7:30 बजे से आपने दीपावली पूजन कर देना है, ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे पूजने, 8 बजे पूजने, ऐसे तो विशेष पूजा का प्रावधान होता है कि किस समय पूजना है, किस समय नहीं पूजना। आप 6:30 से 7:45 बजे से दीपावली का पूजन रात्रि 9:30 तक कर सकते हैं आसानी से। अब आपको बताता हूँ दीपावली के दिन विशेषकर लक्ष्मी जी की और गणपति जी की पूजा आराधना क्यों करी जाती है। कहा जाता है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर आज के दिन अयोध्या में लौटे हैं, और अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाकर भगवान राम का भव्य स्वागत करा है, सुपारी के, नारियल के पेड़ लगाए हैं, केले के पेड़ लगाए हैं, और भगवान राम की खुशी के आगमन में घी के दीपक जलाएं, क्योंकि अमावस्या की रात बहुत ही काली अंधकार की रात होती है, और उस अंधकार को भरने के लिए दीपक जो है जलाए हैं। कहा जाता है कि गणपति जी का जो सर्वप्रथम पूजा करा जाता है, करी जाती है, वो हमारे शास्त्रों में सबसे पहले गणेश जी की पूजा करी जाती है, क्योंकि भगवान गणेश को भगवान शंकर से वरदान है कि सर्वप्रथम गणपति जी की पूजा करी जाए, सर्वप्रथम गणेश जी का आवाहन करा जाए, तो गणेश जी की तो पूजा इसलिए करी जाती है। अब रही माता लक्ष्मी की पूजा क्यों करी जाती है, भाई भगवान राम जब 14 साल का वनवास काट कर आए हैं तो सुख समृद्धि ऐश्वर्य सभी प्रकार के सुख अयोध्या वासियों ने पाए हैं। जब भगवान राम अयोध्या से चले गए थे वनगमन के लिए, तब अयोध्या में बहुत ही प्रकार का, जैसे लोगों को अन्न वस्त्र की कमी हुई, क्योंकि भरत जी का जो राज्य था, भरत जी ने तो सब त्याग कर उस पर चरण पादुका रखकर अपना जो पूजन करने लगे थे, भगवान राम का ध्यान करने लगे थे, अयोध्या वासियों पर बहुत ही ज़्यादा विपदा का समय था उस समय पर। जब भगवान राम अयोध्या आए हैं और उनके साथ में जगत जननी माता जगदम्बा, जो कि जानकी जी हैं, साक्षात महालक्ष्मी का अवतार हैं, जब वह आई हैं तो कि जो भगवान राम के आने से सुख सौभाग्य लौटा है, समृद्धि लौटी है, वो कहीं पर अनिष्ट ना हो। लक्ष्मी आने से, कहते हैं ना कि पैसा आने से इंसान की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, बुद्धि गलत कार्यों में लग जाती है, कहीं से कहीं चली जाती है, तो इसीलिए कि पैसा
आए, इसलिए लक्ष्मी जी का पूजन है, परंतु रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति जी का पूजन इसलिए क्योंकि गणपति जी बुद्धि के दाता हैं, विवेक के दाता हैं, कि हमारी बुद्धि स्थिर रहे और महालक्ष्मी का आगमन जो आज के दिन हो रहा है वो सही कार्य में लगे, हमारी बुद्धि से, हमारे विवेक से हम उस पैसे का अच्छा इस्तेमाल करें, इसलिए माता लक्ष्मी का पूजन करा जाता है। माता लक्ष्मी को लाल रंग अति प्रिय है, आप सभी जानते हैं देवी का लाल रंग जो होता है वो बहुत ही प्रिय होता है। लाल आसन बिछाएं, लाल आसन बिछाने के पश्चात माँ को लाल तिलक लगाएं, कुमकुम रोली का तिलक लगाएं और हो सके तो कलावे का, जो अगर आप वस्त्र नहीं दे सकते हैं, वस्त्र नहीं चढ़ा सकते लक्ष्मी जी को, तो आप कलावे को तोड़ कर ही माता लक्ष्मी जी को और गणपति जी को पहनाएं कि, और सिंपल छोटा सा आपने एक जो है भगवती के जो है मत्था टेक कर, मस्तक को नवाकर माता से यही कि हे माँ मैं आपका बच्चा हूँ, सभी प्रकार की व्याधियों को मेरे क्षमा कर देना, जितने भी गलतियाँ हैं उनको मेरे को क्षमा कर देना, मैं आपका बच्चा हूँ, किसी प्रकार से अगर पूजा में जो कोई विघ्न रह गया हो उस विघ्न को क्षमा करना, क्योंकि माँ जो होती है ना वो बच्चे को हर प्रकार से समाप्त कर देती है, उसके गुणों को छुपा देती है, उसके सभी अवगुणों को छुपा देती है और उसको एक नया जीवन देती है, छोटी सी गलतियों को भी वो छुपा देती है और बड़ी से बड़ी गलतियों को भी वो छुपा देती है, क्योंकि कहते हैं 9 महीने तन के सांचे में ढालती है माँ और फिर जन्म देती है हमको, पालती है माँ। माता महालक्ष्मी वही माँ है, वो जगत जननी है, सभी प्रकार के अवगुणों को धो देंगी, सभी प्रकार की व्याधियों को धो देंगी, सुख सौभाग्य धन यश न जाने कितने ही नाना प्रकार के सुख आपको वो देंगी। भगवती के मंदिर में आप नहीं जाएं, अपने घर में ही उस मंदिर को बुलाएं, अपने घर में ही उस मंदिर को बनाएं, आम के बंधनवार लगाएं, कलश लगाएं, अच्छे से दीपावली का पूजन करें, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, छोटे बच्चों को प्यार दें, क्योंकि दीपावली का मतलब ही है खुशियां बांटना, खुशियां देना। मैंने आपको पूजन विधि बताई, समय भी बताया, माता लक्ष्मी का किस प्रकार पूजन करना है वह भी बताया, और सिंपल सा छोटा सा मंत्र है माता लक्ष्मी का के महालक्ष्मी नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य दयानिधे की, हे महालक्ष्मी आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हरि प्रिय, हरि यानी भगवान विष्णु की जो प्रिय हैं, जो उनके वक्ष स्थल में वास करती हैं, निवास करती हैं, हे मातेश्वरी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार का मंत्र आपने बोलना है, एक बार फिर बता दूँ, महालक्ष्मी नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्य नमस्तुभ्य दयानिधे, इस प्रकार का मंत्र आपने बोलना है और माता लक्ष्मी से समस्त अपने जितने भी दुख हैं उनको दूर करने की क्षमा याचना करनी है, यही आपने पूजन विधि करनी है और सब में खुशियां बांटनी है। इसी के साथ मुझे यानी रमन शर्मा को, पंडित रमन शर्मा जी को दीजिए इजाजत, आपकी दीपावली मंगलमय हो, आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।